महाराज की जय। आप अक्षरातीत श्री धाम ध्वनि मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी, धर्मगुरु जी, विद्वतगण एवं सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी। आज का जो मेरा विषय है वो सिंधी ग्रंथ से लेकर के, और विषय का शीर्षक है झगड़े का प्रकरण। सामान्य रूप से जब हम झगड़ा सुनते हैं तो जो रोज बरोज हम लोग घर में करते हैं वो समझते हैं, या पति पत्नी कभी झगड़े करते हैं और उसका परिणाम तलाक तक चला जाता है। किंतु यहाँ इंद्रावती जी अपने प्रियतम के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं वो अपने इश्क के बल पर और प्रेम के संपूर्ण अधिकार के साथ कर रहे हैं। और ये सिंधी ग्रंथ में संपूर्ण जिस तरह से आज हम देखते हैं कि भारत का जो एक न्याय का जो नियम है उस हिसाब से अगर देखें तो स्वयं इंद्रावती जी वादी बने हैं, राज्य को उन्होंने प्रतिवादी बनाया है, न्यायाधीश भी राज्य को ही बनाया है, संविधान के रूप में परमधाम की ये ब्रह्मवाणी दी हुई है और न्यायालय का स्थान जागनी के ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। वैसे प्रेम की लीला सबसे न्यारी होती है। लौकिक विवादों में जहाँ मन में कड़वाहट घुल जाती है, वहीं जब बात प्रेम के विवाद की आती है तो और अधिक मिठास का संचार होने लगता है। जिस प्रकार से सिंधी ग्रंथ के प्रकरण 7 की पहली चौपाई में इंद्रावती जी कहते हैं कि हे धामधनी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठी हुई हूँ, और मेरा दिल यह साक्षी दे रहा है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अब सोचिए, यहाँ हम राज्य के बिना हर एक पल मस्त होकर के गुजार रहे हैं, वहीं इंद्रावती जी आसिक बन करके राज्य को चुनौती दे रहे हैं कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। यही तो परिशुद्ध प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा होती है। जैसे आज हमारी अवस्था हम देखें तो बड़ी व्यंग्यात्मक है। अगर मुझे भूख लगती है और मेरे सामने आम की बहुत बड़ी टोकरी पड़ी है, भर के आम भी पड़े हुए हैं, किंतु मैं सिर्फ बोलती रहूं कि मुझे आम खाना है, आम खाना है, तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो मुझे सबसे पहले अपना हाथ लंबा करना पड़ेगा, आम को पकड़ना पड़ेगा, मुंह पे रखना पड़ेगा और रस लेना पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थिति है। सिंधी ग्रंथ में हमारे लिए इंद्रावती जी ने धनी से झगड़ा कर लिया है कि आपने जो मुझे दिया है वो सब कुछ आप मेरे सुंदर साथ को भी दीजिए। और वास्तव में आज ब्रह्मवाणी के रूप में वो सब कुछ हमारे पास है। जिस बल से इंद्रावती जी ने धनी को रिझाया, वही बल तारतम का बल हमारे पास है। किंतु फिर भी हमारी अवस्था मैंने बताया दृष्टांत से वैसी है। बीज बो दिया है, पानी भी डाल रहे हैं, समय समय पर उसकी मावजात हो रही है, हमें फल भी मिल गया है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया भी हमें इंद्रावती जी ने वाणी के द्वारा बता दी है। किंतु हमारी परिस्थिति इतनी अजीब है। अब ये क्यों है वो तो केवल हम ही जान सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ मिलने के बाद भी हमारी ये हालत है। क्योंकि हमारी कमियों को सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, हम चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं और उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। ये झगड़े का प्रकरण ही इसीलिए इस प्रकार बनाया हुआ है ताकि हमें अपनी कमी महसूस हो और कहाँ हम अपने प्रेम में धनी के साथ हमारी जो कहीं ना कहीं जो कमी हो रही है उसको महसूस करें, हम उसको सुधार सके। क्योंकि ये जो प्रमुख विषय झगड़े के हैं जो इंद्रावती जी ने सिंधी ग्रंथ में दिए हुए हैं कि आप मुझे दिल दीजिए, आप मुझसे प्यार कीजिए और मीठी मीठी बातें कीजिए, तो ये सब कुछ हमारे लिए। क्योंकि इंद्रावती जी तो हमारे लिए केवल एक वकील की उन्होंने भूमिका निभाई हुई है हमारे लिए, और सिखापन हमें लेनी है कि हमें क्या करना है। जहाँ भी हम देखते हैं खटरीतु की वाणी हो या कलश की वाणी हो, समर्पण में इंद्रावती जी ने अपने पराकाष्ठा को इस कदर ऊपर पहुँचा दिया है कि उनका कहना बस इतना ही है कि धनी, मेरा तन मन सब कुछ आपका है, आपकी प्रेरणा से ही मैं सांस ले रही हूँ। और जब इतना कह देते हैं तो झगड़ा कहाँ से होगा? ये तो प्रेम की एक नोक जो कि वो जो केवल एक अधिकार से किया जाता है।
इसीलिए तो सिंधी ग्रंथ में उन्होंने हमारे लिए धनी से झगड़ा कर लिया कि आप मेरे सुंदर साथ को दीजिए। और ये जो वाणी हमें मिली हुई है, ये वास्तव में हमें इसी मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रही है कि जो उन्होंने अपने जीवन में, जो हृदय से जो उनके उनको प्रेम आया, जो विरहा था उनका, जो हफ्से में जा कर के फूटा, तो क्या हमें लगता है कि ये झगड़ा करने की ज़रूरत उनको है? उनको तो साक्षात राजी मिल गए हैं। वैसे ही सातवें ही प्रकरण की 19वीं चौपाई में भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ी ऐसी बात कह दी है कि जिसकी चोट हमारे दिल में 100% लगनी चाहिए कि हे मेरे धामधनी, मैं तो मुलमिलावे में आपके सामने बैठी हुई हूँ, पर क्या आपने मेरी दिल की हालत को जानने की कोशिश की है? क्या आपको पता है मेरी चित्त की स्थिति क्या है? जब हम कहते हैं कि धनी पल पल हमें देख रहे हैं, जब इंद्रावती जी ने स्वयं परिक्रमा में कहा है कि ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े जुबान, जब राजी हमारे सिर पर खड़े, हर पल हमारे साथ है, हमारे सहरक से नज़दीक है, तो क्या ये कहना उचित था? पर हमारे लिए, क्योंकि पिछले साथ है बानी कही और उनको पता था कि ऐसी भी हालत हो जाएगी कि यहाँ तक कि सुंदर साथ वाणी पर भी प्रश्नार्थ चिन्ह कर देंगे, इसीलिए उन्हें सुंदर साथ के लिए धनी से झगड़ा करना पड़ा था। आज हमें ये सिंधी ग्रंथ की जो वाणी मिली हुई है, ये हमें और नज़दीक धनी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ प्रेम को अपने अधिकार से मांगा जा रहा है। जब हमारी निस्बत हमारे धाम धनी से है, तो हमें उनसे हाथ फैलाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इंद्रावती जी ने अपनी आशिक होने की, अपने आत्मा की गरिमा को बनाए रखा, अपने प्रेम को, अपनी प्रेम की महत्ता को उन्होंने बनाए रखा है, क्योंकि प्रेम की विशेषता ही उसमें है कि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपनी सत्ता से हट करके हमारे पास आना पड़े। तभी तो एक भजन में भी एक अच्छी सी लाइन थी कि साहेबी छोड़ के तू साहेब मेरा आशिक बन जाए, कि मतलब हम आत्मा की रहनी ऐसी होगी कि धनी स्वयं हमारे पास आ जाए और हमारे दिल को अर्श की शोभा मिल जाए। तो सिंधी ग्रंथ की वाणी ये केवल हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंद्रावती जी ने झगड़ा किया अपने प्रेम के लिए, नहीं, उन्होंने तो अपने इश्क के बल पर हफ्से में ही राज्य को प्राप्त कर लिया था और महामती जी की शोभा प्राप्त कर ली थी और स्वयं राज्य की शोभा उन्हें प्राप्त हो गई। किंतु आज ये जो हो रहा है, ये जो वाणी हमें मिली हुई है और हमारे साथ भी जो रोज़ रोज़ जो घटनाएं बन रही, तो हमें इसमें से सीख लेनी है, क्योंकि जैसे धर्म गुरु जी ने कहा था कि धर्म किस लिए है, हमारे रोजिंदा जो हमारा जीवन है उसको धर्म के साथ ढालने के लिए, हमारा जीवन हमें धर्मपूर्ण बनाना है, धार्मिक बनाना है। तो वैसे ही ये वाणी के एक एक शब्द हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए और अपने अधिकार से उस प्रेम को मांगने के लिए है। तो मेरी आशा है कि सिंधी ग्रंथ की इस वाणी को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने धनी को हम अधिकार से प्राप्त करें, ना कि हम रो रो के उनके पास से मांगे। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।